पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल होते ही उन्होंने नीतीश कुमार पर किया जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश को बिहार के कल्याण के लिए जनादेश मिला था, लेकिन अब वह क्या कर रहे हैं। एक दिन ओडिशा में, दूसरा दिन झारखंड में और आज महाराष्ट्र में है। वह अब विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपका नेता कौन है। आप बिना किसी नेता के विपक्षी एकता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। उन्होंने बताया, मैंने नीतीश कुमार से कहा कि आप पीएम हैं और पीएम रहेंगे, लेकिन इस पीएम का क्या मतलब है। मुझे लगता है इसका मतलब है पलटी मार। आरसीपी सिंह ने पिछले साल अगस्त में जेडीयू से इस्तीफा दे दिया था। नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने अपने इस्तीफे की घोषणा के साथ कहा था कि जेडीयू में कुछ नहीं बचा है, वो अब डूबता हुआ जहाज है। हमसे चिढ़ है तो हमसे निपटो, हमारे पास विकल्प खुले हुए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करना ना भूलें और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।